Hello students, how are you? Okay, I see many students has problem in solving the equation. How to solve the equation? अगर आपको equation solve करनी आएंगे then you can solve the other equations also. तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है equation को समझना and फिर उनको आपने solve करना. Solve कैसे करना है उसके लिए कुछ rules हैं, वो आपने बस अपने mind में set करने हैं, ध्यान रखना है. Then you will definitely solve those equations or even whatever type of the equations. ठीक है, बेसिक सभी इक्वेशन को सॉल्व करने का यही रहता है जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अभी. ठीक है, इक्वेशंस आपको 9th में मिलने भी वाली हैं, 10th में भी आपके पास इक्वेशंस आएंगे और अगली क्लासेस में भी आएंगी जब तक आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं. तो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको आप ध्यान से रखेंगे देन यू विल सॉल्व द इक्वेशन. बेसिक्स जो आपके इक्वेशंस के वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं. अगर आपको इक्वेशंस क्लियर हो जाती हैं तो आप चाहें तो एक फॉर्म में से नंबर ऑफ फॉर्मेस खुद भी बना सकते हैं. एक फॉर्म अगर आपको पता है और वहाँ से आपने कई और फॉर्म ड्राइव करने हैं तो उस फॉर्मे से आप और भी फॉर्मे ड्राइव कर सकते हो. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट. दैट्स द इक्वेशन हाउ टू सॉल्व. सो फर्स्ट एज यू सी दैट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेन आपने तीन बातें जो ध्यान रखनी है. क्या? फर्स्ट, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट. मीन्स जब भी आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को आपने सेपरेट कर देना है. वेरिएबल कॉन्स्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल का मीनिंग होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. ठीक है, और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स के सिंबल यूज़ करते हैं. अल्फ़ाबेट्स आपको पता है देर आर 26 लेटर्स, तो उसमें से कोई सा भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं. Until it is not mentioned that this alphabet is constant. ठीक है, अगर वो mention नहीं है तब तक आप उस alphabet को कोई भी 26 जो आपके letters हैं किसी को भी आप ऐसा variable consider कर सकते हो. ठीक है, okay. Then other is constant. Constant का meaning होता है numbers. जो आपके numbers होते हैं वो सारे ही आपके कांस्टेंट में गिने जाते हैं. बट एक बात इसमें ध्यान रखनी है, अगर उस नंबर के साथ में कोई अल्फ़ाबेट लगा दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, से 5x, 2x, -4x, तो फिर ये कांस्टेंट नहीं, फिर हम इसको वेरिएबल ही कहते हैं. ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो पहला मैंने स्टेप आपको क्या बोला है, सेपरेट द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. आपने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को सेपरेट करना है, ये ज़रूरी है. ओके, उसके बाद फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी आपने वेरिएबल को और चाहे आपने कांस्टेंट जो भी आपके हैं उनको आपने एडिशन करनी है या फिर आपने उनको सब्ट्रैक करना है, तो हमेशा वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू. इस बात का ध्यान रखेंगे, वहाँ पे आपने जो साइन यूज़ करना है, जो आपका आंसर आएगा वहाँ पे आपने साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का ही यूज़ करना है. जैसे मान लो मेरे पास -2 + 5 है. ठीक है, तो ऑब्वियस है आप इनको माइनस ही करेंगे तो आपका साइन, आपका आंसर क्या आएगा, 3. ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला आपसे कि साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी है, ऑब्वियस प्लस की ही बड़ी है. सो यू कैन राइट हियर प्लस, और आप प्लस मेंशन नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है. इन द सेम वे अगर मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 5 - 7, अब आप देखो 5 - 7, नो डाउट आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहना है सर 2, ये आंसर इसका 2 आएगा. बट यस 2 तो आएगा ही आएगा साथ में, पर और साथ मैंने आपसे क्या बोला है कि यूज साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, कि आपने ग्रेटर वैल्यू का ही साइन अप्लाई करना है. सो ग्रेटर वैल्यू इज हियर 7, सो आई एम राइटिंग हियर माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई करना है. ठीक है, अब दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए ना आपको क्या इसमें करना है. तो अगर आप जब ये मैंने आपको पहले बोला कि जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो सिर्फ उस केस में ऐसा करना है आपने. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप डिवाइड कर रहे हो उस केस के लिए आपने ये जो मैंने आपको यहाँ ये चार प्रिंसिपल बताए हैं ये आपने याद रखनी है. वो चार प्रिंसिपल क्या हैं, अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो आपका आंसर प्लस ही आएगा. साइन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी. एंड प्लस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो आपका आंसर माइनस ही आएगा हमेशा.
इन द सेम वे माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस। ये आपने उस केस में करना है जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है सिर्फ तब। जैसे कि अगर मैं करता हूँ माइनस टू मल्टीप्लाई विथ थ्री, सो इट्स आंसर विल बिकम माइनस सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ग्रेटर वैल्यू नहीं आपने बोलना है, क्यों? यस, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, चाहे आप अलजेब, चाहे आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उनके साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप शायद सोच रहे हो यहाँ पे तो साइन कोई था नहीं, फिर सर ने कैसे माइनस लगा दिया? क्योंकि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के आगे का कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे हमेशा ही प्लस माना जाता है। सो माइनस प्लस माइनस, वाई राइट हियर माइनस सिक्स। इन द सेम वे इफ आई हैव माइनस टू मल्टीप्लाई विद माइनस थ्री, अगर मैं आप माइनस टू और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करता हूँ, नो डाउट आप सभी को मल्टीप्लाई करना आता ही है। सो टू थ्री जा सिक्स, बट मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि साइन भी आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो साइन भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम, देखो मैंने भी यहाँ पे लिखा है, माइनस को माइनस अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपके पास? प्लस आता है। सो वी नीड नॉट टू राइट हियर माइनस, अब यहाँ माइनस नहीं आने वाला है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, पर ये कब होना है? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप डिवाइड कर रहे हो, नॉट इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो फिर साइन ग्रेटर वैल्यू का ही आना है, जो कि मैंने भी यहाँ पे क्लियरली आपको किया है। इज द क्लियर और नॉट? सो नाउ कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन योर माइंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या गिवन है, इसमें फाइव इन द ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो अगर ब्रैकेट करके बेटा लग के आपके पास आता है और ब्रैकेट के बीच में ना कोई साइन आपको नजर नहीं आ रहा है, ब्रैकेट भी है और साथ में कोई साइन वहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप याद रखेंगे वहाँ पे हमेशा हम मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं, वहाँ पे आप हमेशा मल्टीप्लाई ही बोलते हो। ठीक है, इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग दिस फाइव इन साइड द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी देखो कहाँ शुरू हो रही है, यहाँ शुरू होगी, यहाँ पे खत्म हो रही है। इट मीन्स आप फाइव को यहाँ से लेके यहाँ तक सभी से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर पे चाहे टू टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं, फोर टर्म्स, जितनी मर्जी टर्म्स हो आप अंदर सभी से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ एक से, यानी कि पहले से क्लियर करके नहीं छोड़ देना आपने। ठीक है, सो मल्टीप्लाई फाइव इंटू एक्स, इट बिकम फाइव एक्स, फाइव को वन से करोगे, फाइव वन सा फाइव, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ कोई ब्रैकेट है नहीं तो यू विल राइट इट एज इट इज, आपने इसको ऐसे ही लिख देना है, तो एक्स प्लस थ्री ये आपका ऐसे रहने वाला है। ओके, तो अब आपने देखा है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, कहीं पे भी कोई ऐसा है नहीं इस पर मल्टीप्लाई करने वाला कुछ ऐसा रहता है। सो नाउ ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है कि वेरिएबल्स को आप एक साइड पे कर देंगे, कांस्टेंट्स को आप एक साइड कर देंगे। जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है इसको ही हम फॉलो करते हैं। सो लेट वी डू 5x, हियर इज प्लस एक्स, ये आपका प्लस एक्स है, तो जब आप इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स। हाँ, जब भी आपने किसी भी नंबर को या फिर वेरिएबल को लेफ्ट से राइट लेके जाना है, इधर से उधर कर रहे हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके साइन डेफिनेटली चेंज होंगे, वो चेंज होंगे ही होंगे। सो वी कैन राइट हियर फोर्थ रूल आल्सो, दैट व्हेन वी टेक, व्हेन वी इंटरचेंज, सो व्हेन वी टेक नंबर और वेरिएबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, साइन विल चेंज। तो जो साइन है वो आपके चेंज करेंगे जब आपने
किसी भी नंबर्स को या किसी वेरिएबल को आप लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो या राइट से लेफ्ट में लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे आपने उसका साइन जरूर चेंज करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे हम। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स है प्लस का है, इसको मैं इधर लेके आ गया हूँ माइनस एक्स, इन द सेम वे इक्वल, ये आपका इक्वल का साइन एज इट इज, दिस थ्री एज इट इज, ये प्लस का तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस का था, जो इसको उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस फाइव हो जाएगा। सो 5x माइनस 4x, अब आप क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको ये रूल बोला हुआ है कि यूज ऑलवेज साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू जब आपने एडिशन या फिर क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करती है। तो अब जैसे 5x और मैं x को बराबर माइनस करता हूँ तो फिर क्या आएगा मेरे पास, दैट इज 4x, एंड कौन सा बड़ा है यहाँ पे साइन, प्लस का और माइनस का, यस प्लस का है ना, 5 इज ग्रेटर, सो प्लस, तो प्लस के लिए साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। देन दैट इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे 3 + 5 8, अगेन साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी प्लस ही रहने वाला है। नाउ एक्स इज इक्वल टू 8/4, सो व्हेन आई डिवाइड इट बिकम 2। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई इट गोज टू डिवाइड, ठीक है? ये डिवाइड में जा रहा है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको जब उधर लेके जा रहे हो तो वो डिवाइड ही होगा, ठीक है? ऑपरेशन चेंज हो जाता है। सो आवर आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपका जो आंसर है वो क्या आया फिर, 2। ओके, नाउ लेट द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या मिल रहा है देखने के लिए, इसको देखते हैं। फर्स्ट 2x, ये तो अपना आपने अकेला पड़ा है, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, और ये 3 भी आपका ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि इसमें कुछ x नहीं लगा हुआ है, तो दिस विल बी रिमेन एज इट इज, आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज -2 और ब्रैकेट आ गई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि था, लास्ट सम में अगर ब्रैकेट आ जाती है तो पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। फॉर दैट वन आपने क्या करना है, इसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो लेट मी डू द मल्टीप्लाई, -2 को 3 से करेंगे तो -6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, जो कि अब मैं ये वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ, दिस वन, ये वाले जो रूल आपके हैं इनको हम फॉलो करेंगे कि जब मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपसे बोला था क्या होता है, माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस को प्लस से करने में क्या आता है आपके पास, माइनस, दैट्स व्हाई राइट हियर माइनस, इन द सेम वे माइनस इनटू माइनस प्लस, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस इनटू माइनस प्लस, सो माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 8, ठीक है? इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2x + 4, ठीक है? ओके, आफ्टर दिस वन आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे जितना होता है। सो 2x - 6x एंड दिस 3 + 8 इज इक्वल टू 2x + 4, ठीक है? 2x में से 6 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x, अगेन वही साइन ग्रेटर वैल्यू, एंड 3 + 8 इज 11, दैट इज इक्वल टू 2x + 4, 2x + 4 के बराबर है। अगेन इसके बाद हमने क्या करना है, अब आपने देखा कि मेरे पास सारे मल्टीप्लिकेशन हो चुके हैं, नाउ सेपरेट द वेरिएबल एंड द कॉन्स्टेंट। सो टेक -4x, ये प्लस का 2x इधर आके फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब भी आप किसी टर्म को लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो, राइट से लेके जा लेफ्ट के जा रहे हो, तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है अगर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? सो हियर इज +2x विल बिकम -2x इज इक्वल टू 4, दिस इज +11 विल बिकम -11, जब आप उसको साइड पे लेके जाओगे तो -11 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यस थिंक, हियर इज माइनस, हियर इज माइनस, सो इफ द साइंस आर, क्या लिख रहा था मैंने, आप इसको ऑब्वियस एडिशन करोगे तो 4 and 2 6, एंड साइन ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू, सो दैट इज माइनस इज इक्वल टू हियर आल्सो प्लस माइनस माइनस, सो आई सबट्रैक्ट इट बिकम 7, एंड साइन ऑलवेज ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन्स माइनस, सो दिस माइनस कैंसिल विद दिस माइनस, मीन्स योर आंसर एक्स इज इक्वल टू 7/6, सो दैट्स योर आंसर। नाउ इन दिस वन, दिस वेरिएबल इज अगेन सेम, अकेला है, सिंगल है, राइट इट एज इट इज, एंड हियर इज 2, और फिर ब्रैकेट आपके पास आ जाती है, इट मीन्स आपने इस 2 को
अंदर मल्टीप्लाई करना है विद साइन। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × x क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6, गॉट इट, इज इक्वल टू हेयर इज 5। हाँ एक चीज और, आप में से कई बच्चे एक और मिस्टेक कर सकते हैं, मे बी आप इन दोनों को पहले माइनस कर दो या प्लस जो भी साइन होगा, पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 4 पहले से मल्टीप्लाई होगा। आपको याद होगा आपने अपनी जो लोअर क्लासेस में वहाँ पढ़ा था, बॉड मास पढ़ा था ना, बॉड मास, तो बॉड मास में पहले क्या आता था, ब्रैकेट BODMAS, तो बी मतलब ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, फिर अगर वहाँ पे ऑफ कहीं पे लगा है तो उसको सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर हम डिवाइड डिवाइड सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर आप मास, एम फॉर मल्टीप्लाई, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू हियर सब्ट्रैक्शन। आप पहले ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन करनी है आपने, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट करने से पहले इस बात का ध्यान हमेशा बैठे रखना है कि आपकी सभी टर्म्स जो है ना प्लस माइनस से अलग अलग हो जानी चाहिए, एंड आफ्टर दैट आप उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, माइनस 4 को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 × 8x, इन द सेम वे माइनस माइनस प्लस, एंड 4 × 7 = 28। नाउ यू कैन सी दैट मेरी सारी टर्म्स में प्लस माइनस के साइन आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस आ गया देन यू कैन डू द सेपरेशन, आप वेरिएबल्स को एक साइड लेके जा सकते हो, कॉन्स्टेंट को अदर साइड पे। सो इट बिकम एक्स प्लस 2x एंड दिस इज माइनस 8x, इधर आके प्लस 8x इज इक्वल टू दिस 5 एज इट इज, दिस 28 विल एज इट इज, दिस इज माइनस 6 विल बिकम प्लस 6, जब उधर लेके जाओगे प्लस 6। सो यू कैन सी दैट आई सेपरेट द वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स मेरे सारे अलग हो गए, ध्यान रखना है जो सेपरेट कर लो ना, एक बार दोबारा चेक कर लो कि आपने सभी कर लिए। कई बार क्या होता है कि हम सेपरेट तो कर लेते हैं बट एक दा आपसे बीच में से लेफ्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब आप सेपरेशन कर लो तो एक बार दोबारा री चेक कर लो क्या सारी सेपरेशन हो चुकी भी है या नहीं, ठीक है। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्लस, दिस इज प्लस, तो 1 + 2 = 3x एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, हियर ऑल्सो 5 + 8 = 33 + 6। नाउ अगेन यू कैन सी दिस इज प्लस, सो 8 + 3 = 11 एंड साइन ऑफ अगेन ग्रेटर देन, जो कि प्लस की है तो वो लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 33 + 6 विल बिकम 39, अगेन प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो वो भी साइन लगाने की जरूरत नहीं आपको। नाउ एक्स इज इक्वल टू, एक्स में 11 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड, so x is equal to 39/11, so this is your answer, अगर ये डिवाइड होता तो आप कर सकते हो, नहीं होता है यू कैन लीव इट हियर। ओके नाउ द नेक्स्ट टाइम इन दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ढूंढना है अपने क्वेश्चन में वही सेम चीज़ के कहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो कोई नंबर तो नहीं पड़ा है, अगर है या ब्रैकेट में है तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। तो हमने देखा यहाँ ब्रैकेट मेरे पास एक है, तो इट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई दिस 5 इनसाइड द ब्रैकेट, पहले इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 15 प्लस माइनस माइनस एंड 5 = 15 प्लस 7/2। ओके आफ्टर दिस वन x अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये तो 5x है, ये आपका एज इट इज, यहाँ पे हम इसकी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में और लाइक टर्म्स में है, बिकॉज दिस आल्सो कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट, सो यू कैन सॉल्व देम, सो हियर इज एलसीएम इज 2, सो 2 × 1 = 2 एंड 15 × 2 = 30 प्लस 1 × 7 = 7, सो एक्स अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो आप सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, सो इट बिकम -23 एंड साइन ऑफ ग्रेटर देन बाय 2। अगेन इसके बाद आपके पास फिर से सेम है, वेरिएबल्स आप एक साइड पे लेके जाएंगे, कांस्टेंट आप अदर साइड पे, क्योंकि आपके सभी जो टर्म्स हैं वो अब प्लस माइनस से अलग अलग हो चुकी हैं,
So that I'm doing here, x upon 7, this is plus 5x will become minus 5x is equal to kya aapke paas minus 23 upon 2, here is minus 2 will become plus 2, ये आपका plus 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? Okay, now again this is a fraction, तो fraction को solve करने के लिए let me need a space, so I'm making space. Okay, so for of this, I'm erasing something that I'm erasing from here because we need space. So in this one, you have x upon 7 minus 5x is equal to minus 23 upon 2 plus 2. Okay. एक चीज और, आप में से कई बच्चों को फ्रैक्शन भी सॉल्व करने में अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं आपको एक एवरग्रीन मेथड बता देता हूँ जो आप अपने हर सम में यूज कर सकते हो, ठीक है? और वो आपके हर सम के लागू होगा, बट एक चीज में ध्यान रखनी है कि वहां पे टू ही टर्म्स होनी चाहिए तब आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सो फॉर दिस वन आई एम राइटिंग हियर वन, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है के तो आप वन ले सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस वर्क करने करना है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ये ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? दिस वन मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट, यानी ये वाला जो आपको नंबर फर्स्ट में लिखा है, दिस न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन, यही सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक्स इंटू वन इट बिकम एक्स माइनस सेवन इंटू फाइव माइनस 35x अपॉन, नीचे आप उसमें कर दोगे 7 वन जा 7 is equal to, in the same way here also, यहाँ पे भी ये पहले होगा, तो minus 23 plus 2 to the 4 और नीचे आप उसमें कर दोगे 2 1 the 2. Now this is plus 1x, this is minus 35, तो क्या करेंगे आप इसको, plus or minus? Yes, minus, good. So sign of again greater value, minus 34x upon 7 is equal to, इसको भी आप क्या करेंगे, minus, so it become minus 19 upon 2. So this minus cancel with this minus, so x is equal to 19 upon 2 into 7 upon 34. So because 7 here divide over x mein, that's why it goes to multiply, and this is a multiply, it become to divide, wo niche aa gaya. Now, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कटिंग कोई हो रही है तो आप कटिंग कर सकते हो, नहीं होती तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इट बिकम 133 एंड 60. सो x इक्वल टू 133 अपॉन 68. होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. इफ स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. And I will definitely see your comment and I will provide the solution for that comment. Hope everyone like this one. Please like and share the channel. Thank you. Have a beautiful life.